हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यहां पर ऑलरेडी दोस्तों हमने देखा है कि एक अच्छी खासी जंप देखने के लिए मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, और उसके बाद अभी एक लेटेस्ट यहां पर न्यूज़ आई है, और इस न्यूज़ के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें और भी एक बड़ी जंप देखने के लिए मिल सकती है। क्या है दोस्तों ये न्यूज़, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, और क्या हमें अभी यहाँ पर एक फ्रेश पोजीशन बना लेनी चाहिए, इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ आर्टिकल के ऊपर, और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि दिस टेक्सटाइल स्टॉक हैज गेन्ड 138% इन 2 months। दोस्तों अगर हम बात करें मार्च से तो तकरीबन 1786% दोस्तों ये स्टॉक जो है वो ऊपर गया है। दोस्तों तकरीबन ये 15 से 20 के लेवल पर था अगर हम बात करें मार्च के टाइम की तो, लेकिन यहाँ पर अभी के टाइम पर अगर मैं आपको इसका प्राइस दिखाऊँ तो देखें आप इसके चार्ट पर 57 पर दोस्तों ये ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और वहीं दोस्तों अगर मैं आपको मार्च के टाइम का अगर यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो आप देखें तकरीबन ये 15 से 20 बल्कि 13 की रेंज पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सो इतनी बड़ी दोस्तों हमें यहाँ पर एक जंप दिखाई दी। क्या है इसके पीछे का रीज़न, हम सभी जानते हैं कंपनी बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर रही है, प्लस अलग अलग सेक्टर में इसकी जितने ही बिजनेस है उसमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी पकड़ है। साथ ही में इसके ना केवल इंडियन बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी दोस्तों इस कंपनी की एक बहुत ही अच्छी पकड़ है, और वहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी है कंपनी दोस्तों, और वहाँ से दोस्तों काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी दोस्तों ये कंपनी गेन करती है। अब दोस्तों बात यह आती है कि अभी के टाइम पर यहाँ पर क्या न्यूज़ आई है। चलिए मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ न्यूज़ के ऊपर, और देखें यहाँ पर दोस्तों ये न्यूज़ है टेक्सटाइल्स वीक इनॉग्रेटेड एट इंडियन पवेलियन इन दुबई एक्सपो 2020। दोस्तों टेक्सटाइल वीक था दुबई में, और वहाँ पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स की। ये दोस्तों अनाउंसमेंट थी पीएलआई स्कीम से रिलेटेड, और दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो बोला है कि तकरीबन दोस्तों यहाँ पर वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों छोटी मोटी ये रकम बिल्कुल भी नहीं है, तकरीबन दोस्तों 19,000 करोड़ से ज़्यादा जो रकम है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अभी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करने जा रही है। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट का असर डायरेक्टली जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनीज है उस पर दिखाई देगा, और उसमें भी जो टॉप की कंपनीज हैं वहाँ पर दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा असर हमें दिखाई देगा। और हम सभी जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा एक नाम जो है वो ट्राइडेंट का है, एंड डेफिनेटली दोस्तों हमें आने वाले टाइम पर इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है। लेकिन दोस्तों इस न्यूज़ के बावजूद भी एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखें इसके चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। दो टाइप के दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग मार्केट पर अवेलेबल होते हैं, पहले वो जो एक लॉन्ग टर्म विज़न लेकर चलते हैं, तो अगर आप उनमें से हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस प्राइस पर भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ऑल्दो मार्केट दोस्तों काफ़ी ही एक फियर वाली सिचुएशन क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, हम सभी जानते हैं जो अभी एक न्यू वेरिएंट आया है वायरस का ऑल ओवर द ग्लोब में दोस्तों उसका कितना खतरा है, और लॉकडाउन ऑलरेडी दोस्तों बाहर वाली कंट्रीज में चालू हो चुके हैं, इसकी वजह से अभी कितना बड़ा क्रैश देखने के लिए मिला था ये हम सभी जानते हैं। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर भी दिखाई देगा आने वाले टाइम पर, हो सकता है कि हमें यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिले। तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है फिर तो आप किसी भी प्राइस पर बाय करें, ये आने वाले टाइम पर दोस्तों एक अच्छी खासी प्राइस पर जाना ही वाला है। 300 तक की दोस्तों टारगेट ईजिली दिखाई देंगे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है डेफिनेटली थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो अभी करेक्शन चालू हुआ है मार्केट में वहाँ पर हर एक स्टॉक में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। लास्ट 2 सेशंस में मार्केट डाउन गया लेकिन जो है वो हमें ऊपर जाता हुए नज़र आया है। देखने वाली बात जरूरी होगी कि अभी आगे
के टाइम पर एक कैसा ट्रेड होता हुआ नजर आता है। सो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करें, जब थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, मतलब ये इस रेंज पर आ जाएगा तकरीबन 40 की रेंज पर, तब दोस्तों यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डेफिनेटली दोस्तों आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। बट डेफिनेटली कंप्लीट वीडियो दोस्तों एक लर्निंग पर्पज के लिए बना रहा हूँ मैं। इस वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी बाइंग और सेलिंग का एक डिसीजन मत लीजिएगा। जो भी स्टॉक मार्केट में आप बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या फिर खुद सीखें और खुद डिसीजन लें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।